कॉमेडी किंग कपिल शर्मा कई बार अपने शो पर तमाम दिग्गज अभिनेत्रियों के साथ फ्लर्ट करते हैं। एक्ट्रेसेस की इस लिस्ट में दीपिका पादुकोण से लेकर नोरा फतेही तक तमाम बड़े नाम शामिल हैं। हंसी मजाक के दौरान एक्ट्रेसेस के साथ फ्लर्ट करने का कपिल का ये अंदाज उनके फैंस को काफ़ी पसंद भी है। कपिल की इस हैबिट को लेकर हाल ही में कॉमेडी क्वीन भारती सिंह ने कमेंट किया है। जी हाँ, एक इंटरव्यू में भारती सिंह ने कहा कि वह कपिल और गिन्नी के बच्चे के जन्म के समय उनके पास नहीं पहुंच सकी क्योंकि वो गोवा में अपने पति हर्ष का जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही थी। भारती ने बताया कि वह पहली शख्स थी जिसने गिन्नी और कपिल की बेटी अनायरा को गोद में उठाया था। भारती ने कहा कि ये गुड न्यूज़ सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई और आखिरकार सुबह तड़के 4 बजे मुझे भाई का मैसेज आया कि बेटा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ, उनका परिवार पूरा हो गया। अब क्योंकि कपिल शर्मा शो एक ब्रेक पर जाने वाला है तो भाई ने अपने दोनों बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका भी मिलेगा। जैसे ही मैं मुंबई वापस आऊँगी तो सबसे पहले जाकर कपिल भाई और भाभी से मिलूँगी। जी हाँ, उन्होंने कहा क्योंकि उनके बेटे का जन्म वैलेंटाइन डे मंथ में हुआ है तो मैं चाहूँगी कि वो भी बड़ा होकर अपने पिता की तरह ही फ्लर्ट बने। जिस तरह कपिल अपने शो में एक्ट्रेसेस के साथ फ्लर्ट करते हैं उसी तरह उनका बेटा भी अपने पिता की तरह ही फ्लर्टिश बने। बता दें कि सोमवार को भारती ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें उन्होंने कपिल की पैटर्निटी लीव पर जाने की बात लिखी थी और गिन्नी चतरथ की भी फोटो शेयर की थी बेटी अनायरा के साथ। जी हाँ, तो कपिल शर्मा के घर में किलकारी गूंजी है, बेटे का जन्म हुआ है और फोटो अभी तक सोशल मीडिया पर नहीं आई है। जी हाँ, आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट 9 लाइफ से सुरभि की रिपोर्ट।